मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज 7 साल बाद जाके मैं बन रहा हूँ कनेडियन सिटीजन। दैट इज राइट, आई केम टू दिस कंट्री, आई केम टू कैनेडा इन जनवरी 2016 एंड इन जून 2023 मैं और शनाया हम दोनों बन रहे हैं कनेडियन सिटीजन। सुबह उठ के तैयारी हो चुकी है, पूजा पाठ पहले ही कर लिया गया है, मीनल वहां पे कर रही है थोड़े से खाने की तैयारी जो हम ले जा सके। ये हाँ, रात को दूध फाड़ के पनीर बनाया था। इधर मम्मी भी बिल्कुल रेडी हैं, शनाया दीदी भी बिल्कुल रेडी हैं। सुबह सुबह उठ के अपना सजना वाला सॉन्ग देख रही हैं, उस पे एंजॉय कर रही हैं। हाय शनाया। मीनल का अभी भी 1.5 साल बचा है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप परमानेंट रेजिडेंट वीजा पे आते हो तो यू हैव टू स्टे इन द कंट्री फॉर 3 ईयर्स, उसके बाद ही आपको कनेडियन सिटीजनशिप मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। शनाया क्योंकि एक डिपेंडेंट है, तो जब फादर या मदर दोनों पेरेंट में से कोई भी सिटीजन बनता है तो बच्चा साथ में ही सिटीजन बन जाता है। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इन पर्सन ओथ सेरेमनी जो हो रही है कोविड के बाद, क्योंकि अभी भी काफी ओथ सेरेमनीज वर्चुअली हो रही हैं। आई वॉज वन ऑफ दी लेट्स से फॉर्चुनेट इनफ पीपल कि भाई हमें जाके वहां पे इन पर्सन एक्सपीरियंस मिलेगा सिटीजनशिप का। सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि जो IRCC का ऑफिस है वो एक लंदन में भी खुल गया है, तो हमें टोरंटो जाने की या किसी मेजर सिटी जाने की जरूरत नहीं है सिटीजनशिप की ओथ लेने के लिए, हम यही लंदन में घर के पास ही ओथ ले लेंगे। तो आ चुके हैं हम IRCC के ऑफिस, आई एम होपिंग कि वो हम सभी को अंदर जाने दें। मुझे यकीन है कि मीनल और मीनल के साथ एक और बंदा अंदर आ सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा मीनल मैं शनाया हम सब। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि हम सब ठाकुर जी के साथ आए हैं यहाँ पर। तो ये शनाया दीदी ठाकुर जी को लेके बैठना चाहती थी, है ना? सी यस। तो ये गेस्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, शनाया और मेरा सीट नंबर है 49 और 50। ये हमें ब्रोशर मिला है यहाँ पे, और इसके अंदर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि एज कैनेडाज प्राइम मिनिस्टर लेट मी वेलकम यू एज अ न्यू कनेडियन टू द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। That's nice. तो ये जो फोल्डर हमें मिला है, इस पे पहले ही पेज पे लिखा है बहुत ही अच्छी चीज, वेलकम होम, वी आर एट होम, सो एवरीबॉडी इज जस्ट सेटिंग इन राइट नाउ। कैसा लग रहा है मम्मी पापा आप लोग? अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट वी आर फीलिंग एंड इमोशनल आल्सो, इमोशनल भी लग रहा है। इट्स अ ग्रेट डे, खुशी का ठिकाना नहीं है, इट्स अ ग्रेट डे। मीनल, ड्रीम्स कम ट्रू। शनाया से भी पूछते हैं, देखते हैं जवाब देती है या नहीं। शनाया दीदी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काफ़ी इमोशनल फीलिंग है सच में, मतलब अगर बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की अगर अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल जा रही होती है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। Hey everyone, this is the moment we've been waiting for. Please repeat after me. I swear that I will be faithful. That I will be faithful. And bear true allegiance to His Majesty King Charles III Canadian. Well, look at all your French speakers. Yeah, very good. Congratulations, everyone. Felicitacion. You are all now Canadian citizens. Thank you.
है, है? तो हो गई है सिटीजनशिप सेरेमनी पूरी, ओथ हमने ले लिया और शनाया और मैं बन गए हैं कनेडियन सिटीजन। अब हम निकल रहे हैं घर। सच बात तो ये है कि भाई ये सब घर के बड़ों के आशीर्वाद के उससे ही हुआ है। और जज बोल भी रही थी अंदर कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मतलब मुश्किलातों से गुजरने के बाद ये पड़ाव आता है आपकी लाइफ में, आपने चूज़ किया होता है ये खुद ही ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सको, खुद को एक अच्छी लाइफ दे सको, जो बिल्कुल सही बात है। तो बस अभी चलते हैं घर और खाते हैं कुछ। तो घर हम आ गए हैं। घर आके नया दीदी देखो मंदिर में देख रही है और मम्मी ने हमारे लिए अभी बनाया है हलवा, बहुत ही बढ़िया प्रसाद लगेगा और हम सब खाएंगे हलवा। तो वापस घर आके हम लोग गए थे सो, अभी उठे हैं और मम्मी पापा सुना तीनों गए हैं पार्क। दोबारा से आप सभी के प्यार का, आशीर्वाद का, साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किलातों के बाद 7 साल बाद मैं बना हूँ सिटीजन। अगेन थैंक यू सो मच गाइस, और मेरे व्लॉग्स को, हमारे शॉर्ट्स को प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नए व्लॉग में या नए शॉर्ट में नई मस्तियों के साथ। टेक केयर।